आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में महानगर के प्रमुख चौराहे का नाम बदल गया है, जहां अटल चौक का सेंटर प्वाइंट नाम से जाना जाएगा। बीते दिनों चौक बदले जाने के आदेश जारी हुआ था, जहां जनप्रति समेत आला अधिकारियों ने प्रतिमा का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि आज 25 दिसंबर के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिला प्रशासन ने सेंटर प्वाइंट चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की। इसके साथ ही चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया गया, जहाँ कार्यक्रम में जनपद के जनप्रतिनिधियों के सहित आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरंग राठी ने बताया कि सरकार की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद जिला प्रशासन अपने कार्य में चूक गया था। वहीं 25 दिसंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नवनिर्मित प्रतिमा स्थापित की गई है। हम सभी लोगों को पता है कि सेंटर प्वाइंट का जब पूरा जीर्णोद्धार का कार्य हुआ तो दो प्रमुखता से मांग थी सभी जितने भी हमारे लोकल नागरिक हैं, पार्षदगणों की, जनप्रतिनिधियों की, कि इस चौक को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाए। और इसके साथ साथ यहां पर 100 फीट से ऊंचा जो एक झंडा है, तिरंगा है, उसको भी लहराया जाए। तो दोनों ही मुख्य कामों के लिए एक विशेष तिथि चुनी गई। और जैसे 15 अगस्त को ध्वजारोहण हुआ, उसी प्रकार 25 दिसंबर को उनकी पुण्य जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज ये मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि प्रमुखता से शहर के उन्होंने प्रतिभाग किया और बहुत ही पावन अवसर है आज का दिन और हमेशा के लिए ये अलीगढ़ के इतिहास में दर्ज रहेगा। देश में देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है आज, उसी प्रकार से अलीगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 52 क्षेत्र में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ अटल चौक पर लिया गया है। अलीगढ़ नगर निगम के सदन में, कार्यकारिणी में, दोनों में ही ये प्रस्ताव मेरे द्वारा क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते से लगाया गया, जिस प्रस्ताव को सहसम्मति से पास किया गया। आज ये सेंटर पॉइंट, जहां एक बाजार था, ऐतिहासिक बाजार अंग्रेजों के टाइम से था, इस बाजार पर इस चौक का नाम अटल चौक दिया गया है और ये मार्ग अटल मार्ग घोषित किया गया है। और यहाँ पर आज उनकी जयंती पर माननीय अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ के व्यापारी भाई, क्षेत्रीय जनता और हमारे शीर्ष जनप्रति। बलरामपुर में आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर धूमधाम से मनाया गया, जहां संपूर्ण जिले में जश्न जैसा माहौल रहा। बलरामपुर जैसे पिछले जिले से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इस क्रम में आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर समाज सेवी, एक दानवीर कहे जाने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह ने बलरामपुर के मथुरा बाजार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमे कवि सम्मेलन से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस दौरान वहां पर भाजपा के राज्य मंत्री पलटू राम समेत जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह व जिले के शीर्ष नेतृत्व तो मौजूद रहा, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नेताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में चर्चा करते हुए समाज सेवी धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था। हम क्षेत्र के कार्यकर्ता भारत रत्न पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री और जिनको लोग अजात शत्रु मानते हैं, पक्ष विपक्ष जिनको समान रूप से आदर करता रहा है और जिन्होंने राष्ट्रवाद के प्रतीक को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में स्थापित किया, जो सुशासन के प्रतीक माने जाते थे, ऐसे जन जन के प्रिय श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी। खबर यूपी के चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के जगदीश राय से है, जहां भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे ने जगदीश राय स्थित अपने निजी मेडिकल कॉलेज पर दिव्यांगजनों के बीच भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके साथ भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे ने दिव्यांगों के अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंदौली के द्वारा दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा आज जनपद चंदौली मुख्यालय पर मैक्सवेल नर्सिंग कॉलेज में सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए जितनी कार्य किया जा रहा है, उनके
उज्जवल भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सम्मान के लिए, उसी के क्रम में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें जो सारिका जी हैं यहाँ के दिव्यांग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हैं, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर के एन पांडे संयुक्त रूप से यहाँ पर अतिथिगण सब लोग मिलकर के आप देख सकते हैं कि हाल में खचाखच पूरे जनपद से चारों विधानसभा से लोग आए हुए हैं आज कंबल वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जयंती पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने गोरखपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अटल यात्रा मोटरसाइकिल रैली निकाली और रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया कि 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अटल मोटरसाइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा और नगर विधानसभा दोनों विधानसभाओं से होते हुए गोरखपुर के गोलघर स्थित चेतना तिराहे पर पहुंची, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष वर्तमान पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के दिशा निर्देश पर उनके पूरे जिलों में हर जिला स्तर पे दोनों विधानसभाओं में गोरखपुर महानगर के युवा संकल्प अटल यात्रा निकाली गई, जिसके निमित्त गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा शुरू हुई हमारी लाल डिग्गी से शुरू हुई और शहर का यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी से होते हुए दोनों विधानसभाओं की यात्रा यहां पर आके समाप्त हुई। ये जन्मदिन के अवसर हाथरस की तहसील सासनी के गांव बिलखोरा कला में मेन सड़क जो गांव से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 93 से जुड़ी हुई है, वह पिछले 10 साल से उखड़ी पड़ी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि एवं उच्च अधिकारियों को काफी बार अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव की उखड़ी पड़ी सड़क पर प्रदर्शन कर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि जो सरकार हमारी गाँव की सड़क को बनवा देगी, हम उसी सरकार को वोट देंगे। हमारी शासन से यही मांग है कि हमारा रोड जो है चुनाव से पहले बन जाए, और अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई भी वोट नहीं डालेगा, दोनों गांव की जनता कोई भी वोट नहीं डालेगी। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में हमारे गांव से 90% वोट भाजपा को मिला था, 2017 में विधानसभा चुनाव में 90% वोट भाजपा को मिला था, 2022 का चुनाव आने वाला है और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी 90% वोट भाजपा को ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सड़क लगभग 12-14 वर्ष से इसी मैनपुरी में भाजपा के पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया फिरोजाबाद के अटल जी को याद करके उनके जन्म दिवस पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे अपने नाम की तरह ही चट्टान की तरह अटल थे और स्वर्गीय अटल जी को याद कर अपने ऊपर किए गए उपकार इनके बारे में भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि विरोधी तक उनके व्यक्तित्व के कायल थे और अटल जी की प्रखर प्रवक्ता के बहुमुखी प्रवीणता के धनी थे। पूर्व सांसद फिरोजाबाद के प्रभुदयाल कठेरिया जो फिरोजाबाद से मैनपुरी आए थे और पत्रकारों से वार्ता की, सबसे पहले पाम होटल स्टेशन रोड मैनपुरी में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। सर्वप्रथम तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने उनके कार्यक्रम को आयोजन किया है, जहाँ सभी लोगों ने उनको सत सत नमन करते हुए और सजाती बंदियों को सम्मेलन क्रिश्चियन फील्ड में 31 दिसंबर को जो प्रस्तावित है हमारा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय प्रभुदयाल कठेरिया जी पूर्व सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और समाज को लेके एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन प्रस्तावित है जो अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, जिसकी रूपरेखा हम लोग तय करने के लिए सजाती बंधुओं का एक जत्था यहाँ एकत्रित हुआ है। जनपद मैनपुरी के कोने कोने से लोग, प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हैं। सरकार से 4-5 मांगों का लेने का एजेंडा है, जिसमें हम मांग अपने समाज के लिए करेंगे, तो ये बहुत ऐतिहासिक और उच्च कुलीन तरीके से सफल कार्यक्रम होगा। ऐसा साथ में थे, आज वो नहीं है, पर उनकी ख्याति, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व वो आज भी पूरे देश में नहीं, सारे विश्व के अंदर। अटल जी जब अपने देह छोड़े थे तो मुझे मौका मिला था
दिल्ली में जब उनकी यात्रा निकल रही थी, समथिंग मेरा अंदाज है 4-4.5 लाख लोग होंगे उनकी बारात में, और सभी धर्म सभी जाति, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग उनकी बारात में उपस्थित थे। ऐसे नेता के प्रति, आज 25 दिसंबर था, मैंने डॉक्टर साहब से कहा है, डॉक्टर साहब राजनीति में बहुत ज़रूरी है, और आज भाई देश में देश के प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब देश के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों की जोड़ी। मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर पंप कैनाल के करीब 4 दशक पुरानी पंप कैनाल के नवीनीकरण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल ने किया। बता दें कि इस परियोजना को मिली मंजूरी के तहत 60 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च होगा। यह परियोजना अगस्त महीने में 2023 में पूर्ण होगी। इससे चंदौली और मिर्जापुर के जिले के 96,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने से किसानों को लाभ मिलेगा। पंप कैनाल का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जब भी कोई काम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से किया जाता है, तब महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पुराने पंप बदले जाने के बाद अब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। आज यहां पर एक 60 करोड़ 30 लाख 90,000 की लागत से यहाँ के जो 14 पंप है नारायणपुर लिफ्ट कैनाल के, उनकी क्षमता वृद्धि के लिए, अभी ये 120 क्यूसेक क्षमता से चलते हैं, पंप जर्जर हो चुके हैं, ट्रिप कर जाते हैं तो 12 जो चलते हैं उनमें भी रोकना पड़ता है, इससे पानी पूरी क्षमता से उत्सर्जन या जल निकाला नहीं जा पाता है। अब जब नए पंप हो जाएंगे तो 150 क्यूसेक की क्षमता से 14 पंप रहेंगे, 2 स्टैंड बाई 12 पूरी क्षमता से चलेंगे, तो जहाँ आज 1200 से 1400 क्यूसेक पानी यहाँ से निकल जाता है, वहाँ 12,000-14,000 तक, वहाँ 18,000 क्यूसेक से अधिक पानी निकल के जाएगा, नहरों में पानी की उपलब्धता 70% उपलब्ध है। पूर्व पंप नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा 60 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये चार दशक पुरानी परियोजना है जो मुख्य रूप से चंदौली और जनपद मिर्जापुर के कृषि योग्य भूमि के सिंचन में इसका योगदान है, और अब इस क्षमता वृद्धि के उपरांत जो हमारे उपकरण है, नए पंप सेट्स हैं लगाए जाएंगे और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, तो अब 96,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसका सिंचन हो पाएगा, और जो पंप सेट्स की क्षमता है वो 1440 क्यूसेक से बढ़कर 1800 क्यूसेक हो जाएगी, तो इससे हमारे जनपद चंदौली और मिर्ज़ापुर दोनों ही जनपदों के किसानों की जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी वो आज पूरी हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी वाली नहर उनके ज़माने में बनाया इंदिरा गांधी की वजह से, फिर वो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं बचा, तो हमारे माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री जी ने इसका पूरा विकास किया और तमाम पैसा इसमें सरकार की योजना बनाई, जिससे चंदौली जिला, सोनभद्र जिला, मिर्ज़ापुर जिला, बिहार तक की जनता जो है इससे लाभान्वित हुई, किसानों का फायदा हुआ है और किसान इससे बहुत ज़्यादा फायदे में है, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है जो इस तरीके का उन्होंने करके दिया जनता को। आज क्या हो रहा है? आज भी उसके पानी के जो कुछ और डिमांड आगे बढ़ी है, जो पानी मिल नहीं पा रहा है पूरा भरपूर, तो उसके लिए इसका जो है कैपेसिटी को बढ़ाना है, और सुनने को ये बुलंदशहर में स्वात टीम और थाना गुलाटी पुलिस ने पशु चोरों गिरोह का खुलासा करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के शातिर अंतर जनपदीय पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से गाड़ी भी बरामद हुई है। बरामद पशुओं को बेचने के लिए जो पशु ले जा रहे थे वह गिरफ्तार अभियुक्त साजिद पर विभिन्न जनपदों पशु चोरी के 38 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए, बुलंदशहर की स्वात टीम और गुलाटी थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस पूरे जनपद में एक गंभीर समस्या के रूप में पशु चोरी उभर के सामने पिछले कुछ महीनों में आई थी, और हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक ये थी कि जिसका भी जानवर, जो पालतू जानवर है, जब चोरी होता है तो आदमी भावनात्मक रूप से आहत होता है, आर्थिक रूप से क्षति महसूस करता है। तो निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की घटनाएँ होती थी, हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होती थी। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी।
मथुरा के गोवर्धन स्थित अडींग नहर के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे बस पलट गई और बस पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। वहीं बस पलटने की सूचना पर दौड़कर पहुंचे ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस की ओर से घायलों को बस से बाहर निकाला गया, जिनको पुलिस और ग्रामीणों की मदद से गोवर्धन के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां बस अचानक से खाई में जा गिरी है, जिसके चलते तमाम लोगों को चोटें आई हैं। बस गिरने से वहां के स्थानीय लोगों ने ग्रामीणों की मदद से वहां पे घायलों को अस्पताल बाहर निकाला और उनको अस्पताल में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के गोवर्धन स्थित अडींग नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस के पलटते ही सवारियों में मची है चीख पुकार। आपको बता दें, मथुरा में अचानक से एक बस खाई में जा गिरी, जहां गिरने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहां के स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और वहां के स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 60,000 बच्चों को टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अपने लिए जीना क्या जीना है, हमें मूल्यों, आदर्शों और समाज के लिए जीना चाहिए। और वहीं इस दौरान कार्यक्रम में छात्रों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आज लखनऊ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1,00,000 छात्रों को टैबलेट और मोबाइल वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज इकाना स्टेडियम में अटल जी की जयंती पे आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हैं, उन्हें टैबलेट और मोबाइल फोन की सौगात दी गई है। इसी कड़ी में हम जानेंगे बच्चों से कि उनके लिए पढ़ाई के लिए ये टैबलेट और मोबाइल कहाँ तक कारगर साबित होंगे। जी, आप अपना नाम बता दें। आकांक्षा मिश्रा। अच्छा आकांक्षा, हमें ये बताएं कि आज आप लोग को मोबाइल और टैबलेट दिए गए हैं, तो इससे कहाँ तक आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी? इससे हमें बहुत हद तक की सफलता मिलेगी और सुविधा मिली है। हमारी जो भी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन परीक्षाएं, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, बिना इस सब के पॉसिबल नहीं हो पाता था। और क्योंकि कभी कभी कोविड की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए थे, तो हम उसको परचेज करने के लिए भी उतना एबल नहीं थे। पर अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि हम कुछ अच्छा कर सके, और हम करके दिखाएंगे। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मेहुल गुप्ता है और आज मुझे टैबलेट मिला है। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक फाइनल ईयर एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट टैबलेट टुडे। ड्यू टू कोरोना वायरस कुछ मिडिल क्लास फैमिली के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे और उसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते थे। और स्मार्टफोन्स में हम जैसे डेवलपर्स और डिजाइनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी कोड रन कराने में, बट अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर चीफ मिनिस्टर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। अमित कुमार वर्मा। अच्छा, हमें ये बताएं कि किन बच्चों को टैबलेट दिया गया है और किन को मोबाइल फोन? जो कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स थे उनको टैबलेट वितरण किया गया है, जो कि पैरा मेडिकल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनको स्मार्टफोन वितरण किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। अच्छा, ये टैब है? ये टैब है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसे टैब को दिखाएं। और अच्छा, ये बताएं कि ये टैबलेट आपकी पढ़ाई में कहां तक कारगर? ये जैसा कि आपने देखा है, कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौर में हर चीज ऑनलाइन हो गया था। उस टाइम हम लोगों पर टैबलेट, स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं था, जिससे कि हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। ये मुख्यमंत्री द्वारा ये टैबलेट से अब हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस करने में कोई परेशानी, इससे कि हम लोग बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयास किया गया है। अच्छा जी, आप अपना नाम बता दें। दीक्षा गुप्ता। दीक्षा, हमें ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोग के लिए पढ़ाई किस के सहायता के तौर पे आपको मोबाइल फोन और टैबलेट दिया गया, तो इसको कैसे सोचती हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं, कहां तक ये पढ़ाई में आपके कारगर साबित होगा? आजकल टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, हर चीज इंटरनेट से ही जुड़ी होती है, तो उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं कि पढ़ाई में आपको ये टैबलेट अब सहायता करेगा, तो इसके लिए कितना महसूस, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।